अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ छोटी छोटी गुजारिशात हैं जो मैं बस लिखता रहता हूँ। मेरे अपने एहसासात हैं, आपको इख्तलाफ हो सकता है इस बात से, ये कितनी बड़ी बात नहीं है। मैं कौन सा बहुत बड़ा मुफक्कर हूँ, लेकिन बहरहाल सोचता हूँ लिखता हूँ, तो मैंने कहा चलो दोस्तों से शेयर करूँ। जहाँ रिश्तों की बुनियादें नफ़रतों पे रखी हूँ, जहाँ रिश्तों की बुनियादें नफ़रतों पे रखी हूँ, वहाँ बाहमी मोहब्बत की उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। जहाँ फ़कत बातों में मोहब्बत हो, जहाँ फ़कत बातों में मोहब्बत हो, जिस नाम एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, नहीं जी नहीं जी, आप जैसा तो है कोई नहीं मेरी नज़र में, ये ऊपर ऊपर की बातें होती, और नफ़रत दिलों में राज करती हो, और नफ़रत दिलों पर राज करती हो, वहाँ याद रखो तुम लहजों में हकारत लौट आती। हम एक दूसरे को हकीर जानते हैं, वो यही वजह होती है कि अंदर की जो चीज़ है जहर है वो बाहर निकलती। वहाँ रिश्तों में बनावट लौट आती है, वहाँ अपने सिवा कोई अपना नहीं होता, वहाँ अपने सिवा कोई अपना नहीं होता, वहाँ पसंद और नापसंद के पैमाने, वहाँ रिश्ते नाते सब फकत इस तराजू में ही तुलते हैं। सन अपसन, जहाँ किसी के मुस्कुराने पर तुम्हें भी मुस्कुराना हो, तुम्हारा दुख किसी की नज़रों में, तुम्हारा दुख किसी की नज़रों में फकत एक बेकार सा बहाना हो, तुम्हारे आंसू बेकीमत हों एक बेकार सा ड्रामा हो, जहाँ तनकीद के नश्तर का फकत एक ज़ात निशाना हो, वहाँ मेरी जान मेरे दोस्तों इन रिश्तों का बाकी रहना फकत खुदा की अनायत है, फकत खुदा की अनायत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ अकारब, जितने दोस्त जहाँ जहाँ हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामती के साथ रखें। फकत इतनी गुजारिश है कि दुनिया में हम लोग कोई 5-10 हज़ार साल के लिए ज़िंदा रहने के लिए नहीं आए, 100 साल की बातें तब ख़त्म हो गई, 70-80 साल बड़ी बात है, 50-60 साल, हाँ मैं 50 का हो गया, बाकी अब बोनस ईयर। इस थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर हम इतनी सोच विचार दरवाज़ों के पीछे कमरों में छुप के बैठ के बातें कर करके सलाह मशवरे करके क्या सोचते हैं कि जो फलां बंदा है ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी। इसमें सबसे बड़ी जो मेरी जात भी इसमें शामिल है, हम लोग खुद सेल्फ असेसमेंट करते हैं बैठ के, खुद अपने तजिए करते हैं, उसने ये कहा होगा, ये कहा होगा, कहा होगा तो खुदा की जात गवाह ना, तो कोई गवाह मिलता है अपने इल्जाम का, खुद ही सेल्फ असेसमेंट चलती रहती है, ये जो मेरा फलाना दोस्त है ना इसने ये गड़बड़ की होगी, हाँ ये देखो ना इसी तरह कर रहा है, ये जो फलाना मेरा अजीज है ये यूं कर, इस यूं यूं का और बाकी सारी चीजों का जवाब हमने खुदा के आ जाके देना। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी जात की हद तक ये मैं गवाही दे सकता हूं कि मैंने आज तक किसी जगह बैठ के सलाह मशवरा करके किसी बंदे के गेंस जाना है, उसके साथ ये करना है, उसके साथ ये करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं किया। मैं आज मर जाऊँ कोई फिक्र वाका नहीं, अल्लाह को ये कहूँगा अल्लाह ताला मैंने किसी बंदे के खिलाफ कोई कभी कोई बैठ के सलाह मशवरा नहीं किया कि ये करना है उसके साथ, उसकी ऐसी की तैसी कर देती। दिलों को साफ रखिए, ये खुदा का आईना है, इस पर खुदा का राज होना चाहिए, नफरतें नहीं, इतना टाइम नहीं है। अगला सांस किसने देखा है, किसने रहना है जिंदा, कोई पता नहीं। अल्लाह ताला आप सबको सलामती के साथ रखे। अगर परदेश में है तो वापसी आपकी अपनों के अंदर खैर व आफियत से हो, अगर वहाँ ही रहना है अल्लाह ताला आपको वहीं सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।